नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ मंदिर में क्यों नहीं बजाया जाता शंख, जानें इसके पीछे की कथा। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ के पहले आखिर में शंखनाद किया जाता है। पूजा पाठ के साथ हर मांगलिक कार्यों के दौरान भी शंख बजाया जाता है। शंख को सुख समृद्धि और शुभता का कारक भी माना जाता है। कहते हैं शंख बजाए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं चारों धामों में से एक बद्रीनाथ में शंख बजाने की मनाही है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार बद्रीनारायण की पूजा की जाती है। उनकी 3.5 फीट की ऊंची शालिग्राम की मूर्ति है। माना जाता है कि इस मूर्ति की स्थापना शिव के अवतार माने जाने वाले आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। माना जाता है भगवान विष्णु की ये मूर्ति यहाँ स्वयं स्थापित हुई थी। कहते हैं कि इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। बद्रीनाथ में शंख न बजाने के पीछे कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार जब हिमालय में दानों का बड़ा आतंक था, तब ऋषि मुनि न मंदिरों में न किसी स्थान पर भगवान की पूजा अर्चना कर पाते थे। राक्षसों के आतंक को देखकर ऋषि अगस्त ने माँ भगवती को मदद के लिए पुकारा, जिसके बाद माँ कुष्मांडा के रूप में प्रकट हुई और अपने त्रिशूल और कटार से राक्षसों को खत्म कर दिया। हालांकि माँ कुष्मांडा के प्रकोप से बचने के लिए दो राक्षस आतापी वातापी वहाँ से भाग निकले। इसमें से आतापी मंदाकिनी नदी में जाकर छुप गया और वातापी बद्रीनाथ धाम में जाकर शंख के अंदर घुसकर छुप गया। इसके बाद यहाँ शंख नहीं बजाया जाता। बद्रीनाथ में शंख न बजाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी, जिसके अनुसार अगर यहाँ शंख बजाया जाए तो उसकी आवाज़ बर्फ से टकराकर ध्वनि पैदा करेगी, जिससे बर्फ में दरार पड़ सकती है और हिमस्खलन का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए भी यहाँ शंख नहीं बजाया जाता। क्या रहस्य है घृत कंबल का बद्रीनाथ धाम? बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा पर घी का लेप लगा दिया जाता है और फिर उसे कंबल से ढक दिया जाता है और इसे मुख्य पुजारी रावल भगवान के गात पर घी वाले कंबल का लेप करते हैं और जिसे घृत कंबल कहा जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बैकुंठ धाम बद्रीनाथ के कपाट खुलने और बंद होने में घृत यानी घी का खास महत्व है, क्योंकि घी से ही भगवान नारायण को 6 महीने के लिए कंबल में लपेट कर रखा जाता है। जब कपाट खुलते हैं और कंबल पर घी ज्यों का त्यों दिखाई देता है तो उसे शुभ संकेत माना जाता है। और यहाँ तक धाम में यात्रा साल भर कैसी चलेगी, इसका अंदाज़ा भी घी देख कर लगाया जा सकता है। बद्रीनाथ धाम का कपाट बंद होने के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा पर घी का लेप किया जाता है, फिर उसे कंबल से ढक दिया जाता है। इस कंबल को माड़ा गांव की बालिकाएं 1 दिन में तैयार कर देती हैं। इसे मुख्य पुजारी रावल भगवान के गात यानी शरीर पर घी वाले कंबल का लेप करते हैं, इसे घृत कंबल कहा जाता है। कपाट खुलने के दिन इसी घृत कंबल को प्रसाद रूप में भक्तों को दिया जाता है। ठंड में भी नहीं जमता घी। मंदिर के धर्माधिकारी बताते हैं कि घृत कंबल पर जब कपाट खुलने के दिन घी ताज़ा दिखाई देता है तो उसका मतलब है देश में खुशहाली रहेगी, चारधाम यात्रा अच्छी चलेगी। वो बताते हैं कि बर्फ में ढके रहने के बावजूद, ठंड के बावजूद घी सूखता नहीं है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएँ। धन्यवाद। नमस्कार।